नमस्कार दोस्तों, देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें ये बताया गया है कि चाइना पाकिस्तान के साथ खुश नहीं था। जब पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो चाइना पाकिस्तान के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करता था। देखिए जो रिपोर्ट है ना, तो पाकिस्तान के एक न्यूज आउटलेट पाकिस्तान डेली द्वारा पब्लिश की गई है और इंडियन मीडिया इसको काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। आइए दोस्तों डिटेल से डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से इमरान खान हटे तो उसके कुछ महीनों बाद ही चाइना ने पाकिस्तान को $2.3 बिलियन का लोन ऑफर किया, वो भी काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे, जो कि बात भी ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आगे इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि चाइना ने शहबाज शरीफ के साथ ज़्यादा आराम से काम करने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि चाइना के साथ पहले के एक्सपीरियंस शहबाज शरीफ के साथ अच्छे थे जब शहबाज शरीफ पंजाब प्रोविंस के सीएम थे। आगे इसमें बताया गया है कि इमरान खान एज ए पीएम सीपेक प्रोजेक्ट को लेकर चाइना के जो इंटरेस्ट थे और इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बीच आ गए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार जब 2015 में नवाज शरीफ के टेन्योर में सीपेक पाकिस्तान में लॉन्च हुआ तभी से इमरान खान खुश नहीं थे, क्योंकि लैक ऑफ ट्रांस और पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन था, और साथ ही साथ चाइना सीपेक के जरिए पाकिस्तान के इंटरेस्ट को भी हार्म कर सकता था। और जो ये डर है ना कि सीपेक पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है, ये डर इमरान खान के फॉर्मर एडवाइज़र अब्दुल रज्जाक दाऊद ने सितंबर 2018 में फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू में कहा। इस इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान की नवाज शरीफ के टाइम की गवर्नमेंट थी ना, तो उन्होंने सीपेक के बारे में चाइना के साथ ठीक तरीके से बातचीत नहीं की, उन्होंने अपना होमवर्क ठीक तरीके से नहीं किया, इसीलिए पाकिस्तान ने चाइना को बहुत कुछ दिया। चाइनीज कंपनी को टैक्स ब्रेक मिले और काफ़ी अनुचित एडवांटेज भी मिली, इससे पाकिस्तानी कंपनीज को काफ़ी डिसएडवांटेज मिली। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान सरकार BRI के तहत हुए समझौतों पर फिर से बातचीत करेगी। मैं आपको बताऊं, मज़े की बात यह है कि ये इंटरव्यू वायरल हो गया और अगले ही दिन इस एडवाइज़र को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं था, वो गलती से बोल दिया था, और कहा कि सीपेक के प्रति पाकिस्तान की कमिटमेंट चेंज नहीं होगी। और इस रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि जो इमरान खान ने 2019 में ऑर्डिनेंस के जरिए सीपेक की ये अथॉरिटी बनाई थी ताकि चीन को दिखा सके कि सीपेक से संबंधित कामों में तेज़ी ला सकेगी। इसी सीपेक अथॉरिटी ने बताया कि पाकिस्तान केवल 3 प्रोजेक्ट जो कि ग्वादर में थे उनको कंप्लीट कर सका है, 1 दर्जन से ज़्यादा प्रोजेक्ट अनफिनिश्ड पड़े हैं। देखिए चाइनीज़ गवर्नमेंट न केवल इन अधूरे प्रोजेक्ट की वजह से बल्कि पाकिस्तान में जितने चाइनीज़ नेशनल की हत्याएं हुई पिछले साल, आपने देखा होंगे कितने एक्सीडेंट हुए, तो उनकी वजह से चीन पाकिस्तान से काफ़ी नाराज़ था। दोस्तों बताइएगा आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।